हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। रेखा पाठक चैनल में स्वागत है। आज मैं परवल के भरुआ बना रही हूँ। इसके लिए मैं परवल ली हूँ, आधी किलो तेल है, सरसों पिसा हुआ है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये प्याज है, ये टमाटर है, ये सरसों है, तेज पत्ता है, ये मसाला है, ये धनिया पाउडर है, सौंफ पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी है, आमचूरन है, जीरा का पाउडर है, नमक है। अब मैं शुरू करती हूँ मसाला भूनने के लिए। अब मैं इसमें 4 चम्मच तेल डाल देती हूँ। अब मैं सरसों और तेज पत्ता डाल देती हूँ इसमें। अब मैं प्याज डाल देती हूँ इसमें। थोड़ा सा प्याज भून लेती हूँ, फिर अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगी। मैं अदरक और लहसुन की पेस्ट डाल देती हूँ, और ये सरसों में पीस के रखी थी वो सरसों भी डाल देती हूँ। अब मैं इसको थोड़ी देर भूनूंगी। ये मेरा परवल के बीज जो निकली थी ना, वो पीस के मैं इसी में डाल दी हूँ। अब ये मसाला भी मैं सारा इसी में डाल देती हूँ। देर देती हूँ। टमाटर में डाल दी, अब थोड़ा देर ढक देती हूँ। अब मेरा मसाला हो गया है, इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, लेकिन मैं पूरा मसाला भून रही हूँ मीडियम साइज, मीडियम में करके। मेरा मसाला ठंडा हो गया, अब मैं भर रही हूँ। अब मेरा परवल सारा भरा गया है, आधी किलो परवल थी। अब मैं इसको तवे पर तलूंगी। मैं तवा चढ़ा दी हूँ। अब इस पर मैं एक एक चम्मच जब भी डालूंगी तेल डालूंगी, इस तवे पर भून लूंगी मीडियम आंच रहेगी। थोड़ी देर में उलट पलट करना पड़ता है। अब
मेरा परवल का भरुआ बन गया। अब ये धनिया का पत्ता थोड़ी सा डाल देती हूँ कि थोड़ा देखने में सही ठीक लगे और अच्छा लगे। परवल का भरुआ बन गया है। आपको अच्छा लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के बीच मत भूलना।